क्या आपको पता ब्रह्मा जी के पूरी दुनिया में दो ही मंदिर है, पहला राजस्थान पुष्कर में और दूसरा हिमाचल डिस्ट्रिक्ट ऊना में। ये वो प्राचीन स्थान है जिस जगह पर बैठकर ब्रह्मा जी ने हवन में ओतियां डाली थी, जिस वजह से इस मंदिर का नाम ब्रह्मोती पड़ गया। ब्रह्मा जी के मंदिर और ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती? कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी को शादी करने के लिए कहा। बार बार बोलने पर नारद जी ने इस बात से मना किया, जिस वजह से ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया कि तू हमेशा दासी पुत्र ही बनकर रहेगा। नारद जी को ये बात सुनकर बहुत क्रोध आया कि आप मेरे को पूजा पाठ करने से रोक रहे हो और शादी करने के लिए बोल रहे हो। बदले में उन्होंने भी ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि जाओ, आपकी भी आज से कभी भी ना ही पूजा होगी और ना ही कोई मंदिर बनेगा। ब्रह्मोती में आप देख सकते हो कि ब्रह्मा जी की मूर्ति के साथ गंगा माता और भोलेनाथ जी की पिंडी स्थापित है। आप बहुत सौभाग्यशाली है अगर आपके तक ये रील पहुंची है और आप ब्रह्मोती मंदिर के दर्शन कर रहे हो। मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर स्नान करने से आपको हरिद्वार का आधा पुण्य मिलता है। जो लोग हरिद्वार में जाकर अपनी अस्थियां विसर्जित नहीं कर सकते, वो इस स्थान पर भी अपनी अस्थियां विसर्जित कर सकते हैं। यहाँ पे विसर्जन घाट बना हुआ है और इस स्थान पर बताया जाता है कि इस पानी में रावण ने 2 सोने की सीढ़ियां लगाई थी। वो इस स्थान से स्वर्ग को जाने के लिए सीढ़ियां लगाना चाहता था, पर किन्हीं कारणों वश वो इस सपने को पूरा नहीं कर पाया। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं।